कहने को तो देश में लोकतंत्र है, लेकिन कब कौन किसको लेकर विवादित बयान दे दे, इस पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। भाजपा सांसद शनिवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर सवाल किया गया, तो नेता प्रतिपक्ष पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी तो बिना बुद्धि के बोलता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सदन में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अब पता नहीं संसद में उन्हें कितने दिन झेलना पड़ेगा। सुनिए उनका विवादित बयान। देखिए, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर राजीव गांधी न राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि पूरे एक समाज को टारगेट करके कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब क्या क्या उन्होंने कहा है, और वो भी सदन के अंदर कहा है। तो उन बातों का तो जितना भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, उतनी कम है। और सारा देश ये मानता है वो बिना बुद्धि के बोलता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस किस्म का आदमी देश के विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है। लेकिन लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर पता नहीं किसको कहाँ बिठा दें। अब उसको झेलेंगे जितने दिन झेला जाएगा। वहीं सरकार चलाने को लेकर हुई गलतियों का ठीकरा भी राज्यसभा सांसद ने जजपा पर फोड़ दिया और कहा कि जननायक जनता पार्टी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि मौजूदा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने वाली है। कौन सी मजबूरी? हाँ, यस, ये मैंने कहा है और स्पष्ट तौर पर कहा है, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि गठबंधन की मजबूरी थी और मजबूरी में हमें काफी कुछ नुकसान हुआ है, ये हम इसको मानते हैं। नहीं नहीं, उसमें सत्ता में रहते हुए अच्छे निर्णय भी हम बहुत कर पाए हैं। और कुछ मैंने एक ही विभाग का जिक्र किया है कि एक विभाग जो उनके पास था, उन्होंने अपनी भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई। बाकी अन्य जो निर्णय हरियाणा सरकार ने किए हैं गठबंधन के माध्यम से, वो जनता के हित के किए हैं। मैंने एक विभाग का जिक्र किया है, श्रम और रोजगार विभाग का। बता दें कि रामचंद्र जांगड़ा आज रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जमकर जजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।